हेलो बच्चों, कैसे हो आप? सभी लोगों को राम राम, शुभ रात्रि। रात में वीडियो बन रहा है इसलिए शुभ रात्रि भी है। अभी हमारा पार्ट 4 आ गया है, हाउ टू सॉल्व एमसीक्यूज इन 20 मिनट्स, पार्ट 4। ये सीरीज क्यों चल रही है पता है आपको? आपका टाइम सेव हो जाए कि 20 मिनट के अंदर आपको अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को खत्म करना है, 20 मिनट के अंदर अंदर। ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट आप लगा सकते हैं। तो ये सीरीज हम आपके लिए ला रहे हैं, आप 20 क्वेश्चन और कराने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आपका एग्जाम पास है, 12 तारीख को एग्जाम है, 12th ऑफ फेब, और नहीं मार्च, है ना? तो उसके लिए तैयारी आप इन लोगों की चल रही होगी होपफुली। तो साथ साथ मैं भी आप लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ उस आपकी तैयारी में, जिससे कि आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स वहाँ आ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन पेपर पर चलते हैं अपने। क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर ठीक से दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है यहाँ पर बच्चों? द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू पी एक्स इज गिवेन फॉर अ पॉलिनोमियल पी एक्स, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स फ्रॉम द ग्राफ इज। तो देखिए, एक्स एक्सिस को ये किसी एक पॉइंट पर ही कट कर रहा है या टच कर रहा है, तो यहां पर जीरोस कितने होंगे? ओनली 1 जीरो। तो जितने नंबर ऑफ पॉइंट पर कट करता है एक्सेस को, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज आपके होते हैं। ये सब आप लोग जानते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन के एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस टू एंड 6x इज इक्वल टू 2y+3 हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मतलब लाइंस आपकी कंसिस्टेंट है। तो उस केस में क्या होता है आपका? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। तो a1 और a2 क्या है? x के कॉफिशियंट्स हैं। इट मींस k/6 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, मतलब y का कॉफिशियंट है 1/2 और c का वैल्यू यहां पर 2/3। तो ये तीनों इक्वल होने चाहिए, ये तीनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। इट मींस डज नॉट एग्जिस्ट, k का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है। के का वैल्यू एग्जिस्ट तभी करता जब ये तीनों आपके आपस में इक्वल होने चाहिए थे। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इफ p-1 p+1 एंड 2 p+3 आर इन एपी, देन द वैल्यू ऑफ पी। तो अगर ये तीन टर्म्स एपी में है, सपोज ये ए है, ये बी और ये सी, तो मिडिल टर्म का 2 टाइम्स एक्सट्रीम टर्म्स के सम के इक्वल होता है अगर टर्म्स एपी में हो। तो ये आपको पता होगा। तो यहां पर मिडिल टर्म p+1, तो 2 p+1 इज इक्वल टू ए का वैल्यू यहाँ p-1 एंड प्लस 2p+3, ये आ रहा है आपका। तो 2p+2 इज इक्वल टू 3p+2, 2 2 गेट कैंसिल, p इज इक्वल टू यहाँ आपको 0 आ जाएगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कहीं कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमसे बात कर सकते हैं। इन वट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट a3,6 एंड b-12,-3। एक्स एक्सिस पर कोई डिवाइड कर रहा है तो एक्स एक्सिस का मतलब क्या होगा बेटा? यहां पर x,0, y का वैल्यू 0 होगा, इसी का बेनिफिट आप लगाओगे। तो y इज इक्वल टू, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है आपका? my2 + ny1 / m+n। ठीक है, तो y का वैल्यू आप 0 डालने वाले हो और m y2 यहां कितना आ जाएगा? -3 × -3 + n y1। y1 यहां कितना आ जाएगा बेटा? 6 × 6/(m+n). क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो 3m इज इक्वल टू आपको 6n मिल जाएगा। तो m/n इज 6/3 मीन्स 2 raised to 1। तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। होपफुली आप लोग समझ रहे हैं चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन, एक मिनट दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। इन द गिवेन फिगर पी क्यू इज टेंजेंट टू द सर्किल सेंटर्ड एट ओ। If angle AOB is 95 degree, then the measure of angle ABQ. ABQ क्या है? Same chord के साथ एक angle बन रहा है। AB chord आपको given है, जो center पर angle
क्रिएट कर रही है 95 डिग्री, तो टेंजेंट के साथ ये एंगल सेंटर का एंगल का हाफ होगा, ये थ्योरम होपफुली आपने पढ़ी है। तो 95 डिवाइडेड बाय 2 इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 47.5, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इफ 2 tan a इज इक्वल टू 3, इट मींस tan a इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा यहाँ 3/2। अभी आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है 4 sin a प्लस 3 cos a अपॉन 4 sin a माइनस 3 cos a। तो अभी tan a का वैल्यू हमारे पास है, तो बहुत इजीली आप इसको tan a बना सकते हो। क्या करो, ऊपर नीचे cos a से डिवाइड कर दो इक्वेशन को, तो ये 4 cos sin a अपॉन cos a tan a हो जाएगा अगर आपने cos a से डिवाइड किया है, प्लस 3 cos a को cos a से डिवाइड करोगे 1 आएगा, तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा 4, ये भी tan a हो जाएगा, और माइनस 3 cos a अपॉन cos a 3, है ना। ऊपर नीचे आप cos a से पूरा इसको डिवाइड कर सकते हो, यहां भी आपने cos a से डिवाइड किया, यहां भी cos a से डिवाइड किया, तो cos a से डिवाइड होने के बाद sin a अपॉन cos a tan a प्लस 3 cos a अपॉन cos a 1। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अभी tan a का वैल्यू यहां पुट कर दो, दैट इज 3/2, तो 4 × 3/2 प्लस 3 एंड 4 × 3/2 माइनस 3। अभी आपको सॉल्व करना है, 2 कैंसिल, 3 × 2 = 6 + 3 = 9, 6 माइनस 3 3, तो 9/3 = 3, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, तो 1/α + 1/β इक्वल टू, तो हम लोग जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपको मिलता है माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा आता है वैल्यू सी अपॉन ए, और अगर आपने इसको कंपेयर कराया हुआ है तो बी का वैल्यू यहां पर 1 आ रहा है, तो माइनस 1 अपॉन ए का वैल्यू भी 1 है अपॉन 1, इट मीन्स ये माइनस 1 आ जाएगा। इसी तरह से सी के लिए आप देखेंगे तो सी का वैल्यू यहां पर माइनस 1 है, तो माइनस 1 और अपॉन 1, ये भी आपको माइनस 1 आ जाएगा। कोई डाउट है इसमें, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, तो बी का वैल्यू आपने यहां से कंपेयर किया 1 आ रहा है, तो माइनस 1 अपॉन ए का वैल्यू 1, ये माइनस 1 आ रहा है, और प्रोडक्ट सी अपॉन ए होता है, तो सी का वैल्यू यहाँ माइनस 1 है अपॉन 1, ये भी माइनस 1 आ रहा है। अभी आपको ये दो इक्वेशंस मिल गई, दोनों को आप डिवाइड कर दोगे तो अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन बीटा मिल जाएगा, प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा मिल जाएगा, और इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1। ठीक है, तो ये आपको कैपिटल पॉजिटिव 1 आ जाएगा, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx - 4 इज इक्वल टू 0 हैज रैशनल रूट्स। अभी रैशनल रूट्स का मतलब ये है कि आपको रियल रूट्स तो चाहिए, रियल रूट्स में डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac / 2a। तो हमारा मतलब केवल इस डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू से है, बाकी से हमें मतलब नहीं है कि यहां पर आपका k का वैल्यू कितना होना चाहिए। तो देखिए स्क्वायर रूट के अंदर है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू रह जाता तो रैशनल वैल्यू बनेगी, और स्क्वायर रूट के बाहर आ जाता तो रैशनल, इट मीन्स ये आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, b² - 4ac शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर फॉर रैशनल नंबर, आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ b के अगर कंपेयर करेंगे आप ax² + bx + c से, तो b का वैल्यू यहां पर k आ रहा है, इट मीन्स k² - 4, a का वैल्यू यहां पर 2 है एंड c यहां पर -4 आ रहा है, तो अभी k² + 32। अभी देखिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए k का वैल्यू कितना होना चाहिए, k स्क्वायर का कि एक मिनिमम वैल्यू चाहिए जिससे आपके पास सबसे क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, दैट इज 36। इट मीन्स के का वैल्यू यहाँ पर आप क्या पुट करोगे, 4 के स्क्वायर का वैल्यू यानी कि 2 स्क्वायर, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बच्चों। अभी यहाँ आप -2 पुट करो या +2 करो, 4 तो आएगा ही आएगा, -2 का स्क्वायर भी करोगे तो क्या आने वाला है, तब भी 4 मिलेगा आपको, 2 का स्क्वायर करोगे तो अभी 4 आएगा, मतलब के का वैल्यू +-2 कुछ भी हो सकता है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे।
अपॉन फोर टेन स्क्वायर 30 माइनस सेक स्क्वायर 45 एंड साइन स्क्वायर 60। तो यहां तो आपको सीधे वैल्यू डालना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। टेन 30 होता है रूट थ्री, रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो सॉरी रूट वन बाय रूट थ्री, वन बाय रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो वन बाय थ्री आ जाएगा। माइनस सेक स्क्वायर सेक 45 होता है रूट टू, अभी रूट टू का स्क्वायर आप करने जा रहे हैं तो ये टू आ जाएगा। एंड प्लस साइन 60 का वैल्यू होता है आपका रूट थ्री बाय टू, अभी रूट थ्री बाय टू का स्क्वायर करेंगे तो थ्री बाय फोर ये आपको मिल जाएगा। तो थ्री थ्री गेट कैंसिल, वन अपॉन फोर प्लस थ्री अपॉन फोर एंड माइनस टू। तो थ्री प्लस वन फोर बाय फोर मतलब वन, वन माइनस टू दैट इज माइनस वन। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज व्हाट। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर आप लोग जानते हो क्या होता है, सी एस ए 2πRh। ओके, तो अभी आपके पास कर्व सरफेस एरिया गिवन है 94.2 इज इक्वल्स टू 2, पाई का वैल्यू 3.14 आपको गिवन है यहां पर, आर आपको फाइंड आउट करना है रेडियस और हाइट आपको गिवन है 5। तो अभी 3.14 इंटू 2 आप करोगे तो यहां कितना, देखो डेसिमल को इक्वल कर दो, यहां टू प्लेसेस पर है यहां भी टू प्लेसेस पर कर दो, तो डेसिमल से डेसिमल तो कैंसिल हो जाएगा। अब 3 इंटू 14 इंटू यहां आपका कुछ तो 3 आई थिंक कहीं आ रहा था, एक मिनट मुझे दीजिए, वैल्यू ठीक पुट करिए ना हमने, ये 5 आ गया, आर ये आ गया है और 3.14 इंटू 2πRh, ठीक है। तो 3.14 से ये हाउ मेनी टाइम्स डिवाइड हो जाएगा आपका, ये 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा तो 30 आ जाएगा भाई, 30, ठीक है। अभी 5 टू जा 10, 3 यहां मिल जाएगा आपको, तो आर का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। होपफुली दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 80 स्टूडेंट्स ऑन अ टेस्ट। तो अभी आपको यहां पर लेस देन 10, इट मींस यहां जो आपका क्लास इंटरवल बन जाएगा 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50 लेस देन के केस में है ना, एंड 50 टू 60 कोई इशू। फिर आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो फर्स्ट तो 3 आएगी वैल्यू, सेकंड 12 माइनस 3 दैट इज 9, फिर 27 माइनस 12 15, 57 माइनस 27 30, 75 माइनस 57 That will give you 3 and 15, 18, 80 minus 75, 5. ये आपके frequencies आ जाएंगे। अभी आपसे पूछे the model class of the distribution, the model class of the distribution निकालने के लिए आपका maximum frequency कहां पर है, ये 30, तो इसका model class है 30 to 40, तो C is the correct option, okay? The curved surface area of a cone having height 24 and radius 7. कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन क्या होता है, सी एस ए ऑफ कॉन दैट इज पाई आर एल। अभी पाई आर एल, तो एल के लिए आपके पास एल स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो ये होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो आर आपको 7 दिया हुआ है मतलब 49, प्लस एच आपको 24 दिया हुआ है, 24 स्क्वायर इज 576, ये टोटल बनेगा आपको 625। आर स्क्वायर 625 तो आर सॉरी एल स्क्वायर 625, इट मीन एल आपको स्क्वायर रूट ऑफ 625 कितना आ जाएगा, तो एल मिल जाएगा आपको 25, राइट। अभी आपको यहां वैल्यू पुट करना है सीएसए निकालने के लिए, तो 22/7 आर आपको 7 हो जाएगा और एल 25 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और 25 इंटू 22 550 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0.2√5 एंड -2√5 इज 0.0 इज। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग जानते हो,
बी स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, तो एक्स टू यहाँ पर माइनस टू रूट फाइव माइनस जीरो, तो माइनस टू रूट फाइव का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस वाई टू माइनस वाई वन, तो वाई टू यहाँ पर जीरो माइनस टू रूट फाइव का स्क्वायर ये भी बन जाएगा। तो अभी आपको d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट फाइव टू जा टेन, सॉरी फाइव फोर जा ट्वेंटी, टू का स्क्वायर फोर एंड प्लस ट्वेंटी, अभी 40 आ गए, 40 का मतलब टू रूट टेन यूनिट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हैविंग जीरोस माइनस टू कॉमा थ्री एंड टू कॉमा थ्री। अभी आपको अल्फा और बीटा गिवन है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वायर माइनस एल सम ऑफ रूट एक्स प्लस एल प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू जीरो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट आप करेंगे माइनस टू अपॉन थ्री प्लस टू अपॉन थ्री, यानी कि जीरो आ जाएगा जीरो एक्स, एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे तो ये आपको माइनस फोर अपॉन नाइन, माइनस फोर अपॉन नाइन ये आने वाला है इज इक्वल टू जीरो। तो अभी आप सॉल्व करने वाले हो, नाइन से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसको पूरे इक्वेशन को, तो नाइन एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। अभी नाइन एक्स स्क्वायर माइनस फोर देख लो, क्योंकि फाइव से कहीं भी मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ फाइव से आपने मल्टीप्लाई करा, यहाँ को फाइव से मल्टीप्लाई किया, तो वो तो जीरो ही आना है राइट साइड में। तो अभी आपके पास डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता है यहाँ पर, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ ए स्टैटिकल डेटा इज इंक्रीज बाय थ्री देन द मीन ऑफ द डेटा। तो देखो मीन ऑफ द डेटा भी आपको थ्री से ही इंक्रीज होगा, क्यों होगा बात करते हैं। मीन क्या होता है, मीन बेसिकली बच्चों सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने भी ऑब्जर्वेशन, सपोज एन ऑब्जर्वेशन आपके पास है, तो एन एक्स आपने लिख दिया है, एक्स ऑब्जर्वेशन है और नंबर ऑफ टर्म्स एन है और अपॉन एन, ये आपका मीन आता है, मीन यहाँ पर एक्स आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप ईच टर्म में प्लस कर रहे हैं तो एन टाइम्स आप थ्री प्लस कर रहे होंगे, मतलब आप ये लिख रहे हैं एन एक्स प्लस एन इंटू थ्री और डिवाइडेड बाय एन, तो अभी आपके पास क्या आ जाएगा, एन कॉमन आ जाएगा और एक्स प्लस थ्री जो मीन बनेगा आपका वो एक्स प्लस थ्री आएगा, थ्री से इंक्रीज हो जाएगा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, आई होप दिस इज क्लियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड बाय पी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट इज डिनोटेड बाय क्यू, रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू। डेफिनेटली दो इवेंट का सम हैपनिंग और नॉन हैपनिंग का क्या होता है, वन होता है, तो पी प्लस क्यू इज वन, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, अ गर्ल कैलकुलेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग प्राइजेस इन अ लॉटरी इज 0.08 इफ 66,000 टिकट्स आर सोल्ड, हमें टिकट है ही सी बॉट। अब उसने जो भी टिकट बॉट किए वो उसके फेवरेबल आउटकम्स हो गए, टोटल आउटकम 6,000 टिकट थे जिसमें से उसकी फेवरेबल प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, 0.08 आ रही है विन करने की, और टिकट्स उसने कितने वाई किए पता नहीं है, सपोज एक्स वाई किए और टोटल आउटकम 6,000 आ रहा है। तो अभी x का वैल्यू आप सॉल्व करेंगे यहाँ तो ये आपको मिल जाएगा, दो जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 × 8 = 480, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इन अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल 5 कांट स्विम, इफ वन पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी दैट ही शी कैन स्विम, तो 20 में से 5 अगर स्विम नहीं कर सकते हैं तो 15 स्विम कर सकते हैं, तो फेवरेबल आउटकम 15 हो गया, टोटल आउटकम 20 है, तो सॉल्व करके आपको 3/4 आपको प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी एसेसन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन 19-20, एसेसन ए स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट रीजन आर, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग, बोथ एसेसन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेसन ए, तो ए ऑप्शन आएगा, बोथ एसेसन ए एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसेसन ए, assertion A is true but reason R is false, assertion A is false but reason R is true, A option है। point P 0.2 is the point of intersection of y axis with the line 3x plus 2y is equal to 4, तो अगर y axis पर ये point आ रहा है 0.2 तो इसका मतलब x का value 0 है, अब ये sacrifice कर रहा है नहीं कर रहा है आपको चेक करना है, वैल्यू डाल दो यहाँ पर x का वैल्यू 0, तो 3 इंटू 0 आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 4, इट मीन y इज इक्वल टू 2, इट मीन दिस इज द करेक्ट,
ये करेक्ट इक्वेशन है लाइन का। फिर रीजन आ रहा है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0.2 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 2 यूनिट्स। अभी आपको अगर मैं ये बना दूं बेटा और ये 0.2 बोला हुआ है और एक्स एक्सिस यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लेते हैं 0.0 से अगर आप ये डिस्टेंस यहाँ ले रहे हैं तो ये तो डेफिनेटली 2 आ रहा है, ठीक है। लेकिन किसी और पॉइंट से अगर आप ये लेंगे तो 2 नहीं होगा, पॉइंट नंबर 1। चलिए उसको अगर आप इग्नोर करते हैं तब भी क्या इसको सॉल्व करने के लिए यहां से इसको आपको यूज करना पड़ रहा है, क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन है? नहीं, ये एक अलग बात है कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 2 गिवन है यहाँ पर और यहाँ आपको उसने बोला हुआ है कि ये एक पॉइंट है इस लाइन का, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया, तो दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। रीजन ए एंड रीजन आर इज ट्रू बट दिस इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये बात भी ठीक है, अगर आपको 0.2 दिया हुआ है इट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस 2 यूनिट्स होगा, ठीक है। एक्सेप्शन ए द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज अ रैशनल नंबर। अब ट्रायंगल दिया हुआ है आपको 2 और 3, अब अगर आपको यहाँ ये हाइपोटेन्यूस निकालना है तो ये क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, √13। अभी अगर आप पैरामीटर निकालने जाओगे तो तीनों साइड का सम करोगे जिसमें √13 भी आ रहा है, इट मीन्स ये रैशनल नहीं है, इरैशनल है, ये तो रॉन्ग हो गया है ना। एक्सेप्शन द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल, दिस इज ट्रू, इसमें कोई बात नहीं है। तो फॉल्स, एक्सेप्शन फॉल्स, रीजन बेस, तो इसका ऑप्शन आपको मिलेगा, एक्सेप्शन इज फॉल्स, रीजन इज ऑफ 2, इट मीन्स डी ऑप्शन। इसके लिए बी ऑप्शन आपको आ रहा था और इसके लिए डी आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये 20 क्वेश्चंस हो गए हैं, होपफुली आपको समझ आए हैं। समझ का मतलब है कि प्रैक्टिस आप इस तरह से करेंगे, आप जानते तो आप लोग हैं टाइम जो ज्यादा लगता है उससे आपको यहाँ बचना था, ठीक है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करते रहिए जिससे कि एग्जाम में सभी को हेल्प हो पाए।